बागपत में नशे की हालत में कुछ युवकों ने कुत्ते की हत्या कर डाली। मामला कोतवाली बड़ौत इलाके का है, जहां मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तार से जा रहे युवकों पर कुत्ता भौंक पड़ा तो उन्हें परिवार के लोगों पर फायरिंग करते हुए कुत्ते की भी गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पीड़ित का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक जैसे ही इलाके में पहुंचे तो स्पीड ब्रेकर के पास उनकी बाइक फिसल कर गिर गई। कुत्ता उन पर भौंकने लगा तो युवकों ने तमंचों से फायरिंग कर दी और एक गोली कुत्ते को जा लगी। सर, मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा राजकुमार जी, क्या पूरा मामला हुआ? सर, मामला ये हुआ, हम होली खेल रहे थे और हम अपने घर के बाहर मेरा भैया बैठा हुआ था और सर वहाँ पर तीन जाट के लड़के आए, शराब में धुत थे और वे बाइक लेकर आए और हमारे घर के सामने ये गिर पड़े और हमारा पालतू कुत्ता हमारे पास बैठा हुआ था और वे उनको देख के भौंकने लगा। वे इतने में ही गुस्से में आ गए कि लगा इस कुत्ते को बंद कर। तो सर हमने बोले सर ये तो पालतू है, आप जाइए, हम इसको बंद कर लेंगे। वे इसी में ही कहने में भड़क गए, बोले साले गिट्टड़ चमार, फालतू बोलेगा इसको बंद कर, तेरे भी गोली मारेंगे, इस कुत्ते गोली मारेंगे। हमने बोला सर त्योहार का टाइम है, आप अपने घर जाइए, आप हमारे साथ बैठ मत मारो, ठीक है। इतने कह के साले फालतू बोलता है। उन्होंने तीन आदमी थे, तीनों के पास देसी तमंचे थे। सर एक ने सामान निकाला और गाली गलौज दे के उन्होंने फायर किया। फायर करने के बाद हमारा भाई राम कुमार तो बच गया और वे गोली हमारे पालतू कुत्ते के लग गई और हमारा कुत्ता वहीं पर ही दम तोड़ दिया। बादलपुर गांव में दो लड़के ये राजकुमार नाम के व्यक्ति ने फायर किए, उसको न लग करके जाकर कुत्ते को लगा, कुत्ते के मौके पर ही मौत हो गई थी। इस संबंध में दोनों खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।